सो माय फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में एक सिंक नाम की जो सेटिंग है वो इस समय ऑन है। अब ये जो ऑप्शन होता है आपके क्रोम ब्राउज़र में देखने को मिलता है, आपकी फ़ोन की सेटिंग में भी देखने को मिलता है, एंड इसके अलावा गूगल अकाउंट में भी देखने को मिलता है एंड जीमेल अकाउंट में भी होता है। अब आप लोग सोच रहे हो भाई, ये सिंक का क्या काम है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में, एंड इस वीडियो को देखने के बाद सिंक से रिलेटेड अदर कोई यूट्यूब पे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा और सिंक से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट है वो सब आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोम ब्राउज़र में सिंक की। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, और जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे, कॉर्नर पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेटिंग में जाओगे। आप सबसे नीचे देख सकते हो सेटिंग का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सिंक ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सब जो डाटा है ना, आप अब देखो मेन इसका खेल क्या है, मेन काम क्या है, एड्रेस एंड मोर, बुकमार्क, पेमेंट मेथड, हिस्ट्री, पासवर्ड एंड रीडिंग लिस्ट, ओपन टैब, सेटिंग्स, ये सब आपका सिंक होकर इस आईडी में यहाँ पर जा रहा है। अब इसका क्या काम है, बाई चांस मान लीजिए ये आपका डाटा इसमें सिंक हो चुका है, आपने सिंक कर लिया, ठीक है, कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट है भाई, 2-2, 2.5-2.5 सौ कॉन्टैक्ट होते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, या जो भी पासवर्ड है, आपको पासवर्ड मान लो नहीं याद है या कॉन्टैक्ट है, तो वो सब आप दोस्तों अपना ईमेल आईडी डालूंगा मैं और पासवर्ड डालूंगा अदर किसी डिवाइस में, कंप्यूटर या फिर फ़ोन में, तो वो मेरा वहाँ पर मुझे उसको सिंक हो जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा। जितने भी कॉन्टैक्ट हो गए फिर दोस्तों, वो मुझे ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट चले गए, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मतलब मेरी इस ईमेल आईडी में स्टोर होते रहेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर तक कि दोस्तों आप पासवर्ड भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था ना पासवर्ड भी यहाँ पर ऑप्शन आता है, देख सकते हो पासवर्ड भी सेव हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको जो भी आपको स्टोर करना है, जो भी सिंक करना है, इस तरीके से आप इसको टिक कर दो। जैसे कि मुझे पासवर्ड यहाँ पर सिंक करना है, तो यहाँ पर जितने भी पासवर्ड मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करूँगा वो सब सिंक हो जाएंगे और सेव हो जाएंगे, एंड इसके बाद कहीं पर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। एंड इस तरीके से दोस्तों अगर ऑफ़ करना है आपको, तो यहीं पर नीचे दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है आपको, सिंक आउट एंड टर्न ऑफ सिंक, इसको क्लिक करो एंड यहाँ पर कंटिन्यू करो तो ये ऑफ़ हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं आप अपने फ़ोन में सेटिंग में कहाँ पर सिंक होता है। तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाओगे और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है, ऊपर सर्च बार का ऑप्शन मिलता है सेटिंग में, हर फ़ोन की सेटिंग में, और वहाँ पे आपको लिखना है ऑटो सिंक। जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर ऑटो सिंक ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो इतना सब आपका जो भी आईडी वगैरह ये सब आ रहा है, एंड नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो सिंक डाटा। तो इसे अगर आप सिंक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर दो, और अगर आप सिंक नहीं करना चाहते हो तो इसको इस तरीके से अनटिक कर दो, ओके कर दो, तो ये सिंक नहीं होगा। एंड इसके अलावा दोस्तों आपका जो गूगल अकाउंट है वहाँ पे भी सिंक देखने को मिलता है, एंड कॉन्टैक्ट आप कैसे दोस्तों, मान लीजिए अभी मैं आपको बताऊंगा वापस को कैसे आप इसको सिंक कर सकते हो, ले कैसे सकते हो कॉन्टैक्ट को। तो यहाँ पर आप अपने सेटिंग में आओगे फ़ोन की, और हर फ़ोन की सेटिंग में गूगल का ऑप्शन होता है ये रहा, इस पर क्लिक करो और गूगल वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे आप आओगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल कॉन्टैक्ट सिंक, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर अभी देखो ये ऑटो सिंक इज ऑफ, मेरा ऑफ है, तो इसको एक बार मैं ऑन कर लेता हूँ, आपके में ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऑन है ना, अब ये ऑन हो गया, इसका क्या काम है, यहाँ पे आल्सो सिंक डिवाइस कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पर अगर आप अपने डिवाइस के कॉन्टैक्ट, यानी कि जो भी आप कॉन्टैक्ट अपने डिवाइस में मान लीजिए सेव करते हैं और उसको सिंक करना चाहते हो अपनी इस गूगल अकाउंट में, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से ऑन कर दोगे, और जो भी आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करना चाहते हो वो इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट होगे यहाँ पर सिंक हो जाएंगे आपके इस कॉन्टैक्ट में। और बाय चांस कभी आपका फ़ोन चोरी हो जाता है और आपको कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर इसी वाली सेटिंग में आओगे, तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट सिम कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी सिम में आपका कॉन्टैक्ट होगे, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 313 कॉन्टैक्ट यहाँ पर सिंक्ड, जो सिंक है वो यहाँ पर सिंक हो चुके हैं। अब अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर रिव्यू एंड इंपोर्ट पर क्लिक करोगे तो ये सब यहाँ पर इंपोर्ट भी हो जाएंगे आपकी इस ईमेल आईडी में। तो इस तरीके से आप इसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।